ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्फाज में हमने दुए रस्म की चार तरकात पढ़ी हैं जमात के साथ, बहरहाल जिसने चार पढ़ी हैं इंशाल्लाह वो भी कबूल हैं, दो पढ़ी हैं वो भी कबूल हैं, कोई झगड़े की बात नहीं। मेरी वालदा फौत हो गई, उसकी जगह पर उमरा करना चाहता हूँ, बिल्कुल ठीक है, मस्जिद ऐशा दे रहा हूँ बांध रहे हैं, जेराना से बांध के कर रहे हैं, बच्चों के नाम का तवाफ नहीं होता, तवाफ अपना करें, उनके लिए दुआ करें। मक्का मुकरमा में कौन कौन सी ज़ियारत है, कदम कदम ज़ियारत है, लेकिन जब अल्लाह ने काबा दिखा दिया तो अब छोटी ज़ियारतों की क्या जरूरत रह गई है बाकी, वरना तो मक्के का कौन सा ऐसा मकाम है, कौन सी ऐसी गली है जहाँ से सहाबा नहीं गुजरे होंगे, हज़रत पाक नहीं गुजरे होंगे, तो वो तो कदम कदम ज़ियारत है। मस्जिद आयशा से उमरा बांध के, उमरा कर एहराम बांध के, मुकीम है या हज पे आया हो, सब के लिए जायज़ है। मैं हज कर भी उमरा करना चाहता हूँ, तवाफ ज्यादा अफजल है, लेकिन उमरा करना चाहे तो कर सकते हैं मस्जिद आयशा से या जेराना से। यहाँ जो मुर्गी मिलती है मुझे क्या बताऊँ, कोई मैं भेजता हूँ या मेरी कंपनी है, हमें यहाँ बंदे का पता नहीं लगता तो मुर्गे के मसले पूछ रहे हैं। हमें तो यहाँ अल्लाह की मखलूक समझ नहीं आई कि लबैक भी पढ़ते रहे, अरफात भी जाते रहे, तवाफ भी करते रहे, हजर असवद भी चूमते रहे, जैसे दाढ़ी मुंडाता था वैसे ही मुंडाता है, हमें तो पता नहीं है मखलूक कौन सी है। बहरहाल नसवार मुँह में रख के अल्लाह का जिक्र और काबतुल्लाह में न किया करें, ये गंदी चीज़ है, नापाक चीज़ है, बदबूदार चीज़ है। अल्लाह के नबी का हुक्म है कि हत्ता के कच्चा बसल खा के भी मस्जिद में ना हो, ताकि तुम्हारी बदबू से दूसरे को तकलीफ ना हो, तुम नसवार रख के अल्लाह हिदायत दें।